लड़का जो कि करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ कर दिया तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम से चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। अगले दिन बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ साहब, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वहाँ से चल दिया। अब उसकी जेब में केवल 500 रुपए थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। उसने 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में उसके सभी टमाटर बिक गए। उसने फिर से 500 रुपए के टमाटर खरीदे और वह फिर बिक गए। इस तरह उसने दिन में 3 बार 500-500 रुपए के टमाटर खरीदे और सारे टमाटर बिक भी जाते। दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हो गया। घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल काम शुरू कर दिया। अब हर दिन वह 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रख लिया था। कुछ सालों बाद उस आदमी का फूड रिटेलिंग में बड़ा नाम हो गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी इंश्योरेंस करवा लूं? इसके लिए उसने एक इंश्योरेंस करने वाले को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति की इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी का ईमेल आईडी पूछा तो उसने कहा मेरी ईमेल आईडी नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है अगर आपका ईमेल होता तो आप आज कहां से कहां होते? पर व्यक्ति थोड़ी खामोशी के बाद बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो आज मैं एक चपरासी होता। ये बात उस इंश्योरेंस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए, जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए, क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा।